खामगांव से शाहपुर, शाहपुर से नागपुर तक गौ तस्करी जोरों पर। रोजाना कोहमारा, साकोली, लाखनी, कारधा, भंडारा, शाहपुर तक पिकअप वाहनों से हो रही है गौ तस्करी। हितेश गब ने आकाश गडकरी, राजा कुरेशी, रजत साखरे, आशीष पाखमोड़े पिकअप वाहनों से कर रहे हैं गौ तस्करी। संबंधित विभाग के ड्राइवर और गौ तस्करों में रोज होता है वार्तालाप। भंडारा गोंदिया जिले से पिकअप वाहनों से गौ तस्करी हो रही है, लेकिन इन्हें रोकना मानो मुश्किलों से लड़ना हो चुका है। भंडारा के शाहपुर गांव के कुछ नामचीन गौ तस्कर पर कई बार कार्रवाई की गई है, लेकिन संबंधित विभाग के कुछ कर्मचारी के सहयोग से गौ तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही है। साथ ही लाखनी के गौ तस्कर, जिन पर भंडारा, गोंदिया, नागपुर जैसे जिलों में कई बार गौ तस्करी का गुना दाखिल हुआ है, साथ ही पुलिस विभाग की गाड़ी बैरिकेड उड़ाने का और पुलिस विभाग के कर्मचारियों को घायल करने का गुना दर्ज हुआ है। अफसोस की बात यह है कि जिन्हें हम जानते हैं वह बखूबी खुले आम गौ तस्करी कर रहे हैं, जिनके कुछ नाम हैं हितेश गबने, राजा कुरेशी, आकाश गडकरी, रजत साखरे, आशीष पाखमोड़े, इनमें से कुछ लाखनी के रहवासी हैं। कुछ गोरेगांव के गौ तस्कर और गाड़ी ड्राइवर की CDR चेक करने से होगा बड़ा खुलासा। आज पूरी जानकारी की कि किस तरह से गौ तस्करी की जाती है। गोंदिया के आमगांव, गोरेगांव परिसर के चांगुल टोला जैसे गांव से गौ तस्करी शुरू होती है। इसे कोहमारा से साकोली, लाखनी, कादा, भंडारा, शाहपुर में गौवंशियों को एक खेत में रखा जाता है, जिससे नागपुर के गौ तस्करी, जिन पर गुनाह दाखिल है, यह गौ तस्कर शाहपुर से 10 चक्का ट्रक में गौवंशियों को भरकर बेखौफ निडर होकर नागपुर और हैदराबाद गौ तस्करी करते हैं, जिन पर कई मर्तबा कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि शाहपुर से बाला नामक व्यक्ति एक हफ्ते में 3 से 4 मर्तबा 10 चक्का गाड़ी से गौवंशियों को बेचता है, जिसके पास गौवंशी तस्करी से लाखों रुपए की अवैध पूंजी जमा है। अब बात ये आती है, यदि यह नाम का खुलासा होने के बाद संबंधित अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करती। आपको बता दें कि संबंधित अधिकारियों के वाहन चालक जो रोजाना रात रोड पर रहते हैं, वह इन्हें जानकारी देते हैं। कुछ वाहन चालकों के नाम भी सामने आए हैं जो जवाहरनगर, लाखनी, भंडारा, साकोली के बताए जा रहे हैं। इन वाहन चालकों के गौ तस्करों को पुलिस विभाग की पल पल की जानकारी दी जाती है, जिसके कारण पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पाते। यदि पुलिस विभाग का ड्राइवर गौ तस्करों को रोजाना जानकारी देता है, तो संबंधित विभाग कैसे कार्रवाई करेंगे, यह सवाल जनता में उठ रहा है। क्या ऐसे पुलिस विभाग के ड्राइवरों पर कार्रवाई करेंगे? यदि वरिष्ठों ने इनके मोबाइल के CDR निकालकर जानकारी ली, तो गौ तस्कर और पुलिस ड्राइवर में क्या संबंध है, बड़ा खुलासा हो सकता है। भंडारा जिले के लाखनी कोपरवाही पालांदू थाने में बतौर थानेदार कार्यरत रहे पुलिस निरीक्षक मनोज वाढिवे की वर्धा में शनिवार को सुबह में हार्ट अटैक से मौत हो गई। मूलतः अमरावती जिले के धामनगांव निवासी पुलिस निरीक्षक मनोज वाढिवे वर्तमान में वर्धा जिले के वडनेर थाने के थानेदार पद पर कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह में कुछ पुलिस कर्मचारी उनके निवास पर गए थे। वहां उन्हें आवाज देने पर घर के अंदर से कोई प्रतिसाद नहीं मिला, जिससे दरवाजा तोड़कर भीतर का देखने पर वाढिवे मृत अवस्था में नजर आए। प्राथमिक जांच में पुलिस निरीक्षक वाढिवे को नींद में हार्ट अटैक से मृत्यु होने की संभावना जताई जा रही है। मनोज वाढिवे यह भंडारा जिले में लाखनी, पालांदूर व गोबरवाही थाने में कार्यरत रह चुके हैं। भंडारा शहर तक मेट्रो लाने के प्रस्ताव के साथ ही वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज, भंडारा रेलवे स्टेशन पर रैंक पॉइंट सहित विभिन्न विषयों को लेकर विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने शनिवार 29 जून को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात कर सकारात्मक चर्चा की। इस समय रेल मंत्री ने सर्वेक्षण के लिए भंडारा में जल्द ही टीम भेजने का आश्वासन दिया है। भंडारा शहर में 10 किलोमीटर की दूरी पर भंडारा रोड रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहां कई सुविधाओं का अभाव है। साथ ही जिले के किसानों
किसानों को यूरिया खाद कम कीमत में मिलने के लिए रैंक पॉइंट का निर्माण करने और भंडारा शहर तक मेट्रो ट्रेन लाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से पेश करने जैसे मुद्दों पर विधायक भोंडेकर ने मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विस्तृत चर्चा की। इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सकारात्मक जवाब देकर मांगों को पूर्ण करने और सभी मुद्दों की समीक्षा करने के लिए जल्द ही एक टीम भेजने का आश्वासन दिया है। राज्य में ओबीसी के लिए स्वयं रोजगार और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुजन कल्याण विभाग के तहत महाराष्ट्र अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की स्थापना की है। इस निगम के माध्यम से कृषि संबंधी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बहुत कम ब्याज के दर के साथ साथ ब्याज मुफ्त दर पर ऋण वितरित किया जाता है। निगम की योजना निम्नलिखित है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम भंडारा के कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। जिला प्रबंधक वीवी फडणवीस ने निम्नलिखित योजनाओं की जानकारी दी है। यह योजना राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित है। इस योजना में निगम की भागीदारी 20%, लाभार्थी की भागीदारी 5% तथा बैंक की भागीदारी 75% है। अधिकतम परियोजना सीमा 5,00,000 है। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। अपना घर होने का सपना प्रत्येक व्यक्ति का होता है। शासन द्वारा भी अनेक योजना जरूरतमंदों के लिए चलाई जा रही है। आदिवासियों के लिए घर कुल निर्माण कार्य के लिए शबरी योजना चलाई जा रही है, किंतु तुमसर तहसील के देवाड़ी में 5 वर्ष से आदिवासी परिवार को घर कुल नहीं मिला है, इसलिए उनके परिवार जर्जर झोपड़ी में रह रहे हैं, जिससे वृद्ध एवं छोटे बच्चों की जान को खतरा निर्माण हो गया है। तुमसर तहसील के देवाड़ी निवासी विनोद कोकुड़े समेत अन्य 4 आदिवासी परिवारों ने ग्राम पंचायत के माध्यम से पंचायत समिति में शबरी आवास योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिससे करीब 5 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है, किंतु अब तक इन 5 परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिला है। बारिश से बचने इन आदिवासी परिवारों ने झोपड़ी के ऊपर तिरपाल बिछाई है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। घर का पाइप काटने और झाड़ू चुराने का आरोप लगाकर महिला को धक्का देकर नीचे गिराकर घायल करने की घटना तुमसर में घटी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। गोबरवाही पुलिस ने माइन क्षेत्र में अपना अस्तित्व छिपाकर घूम रहे 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। डोंगरी बुर्ज निवासी रोहित बस्तीलाल लाले उम्र 26 वर्ष व विनोद भैयालाल पटले उम्र 31 वर्ष है। गोबरवाही पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोपहिया वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 2 युवकों की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम पाथरी निवासी विकास मधुकर वल्थरे उम्र 25 वर्ष है। साकोली पुलिस ने मरकर दर्ज कर लिया है। बिना लाइसेंस टिप्पर में रेत परिवहन कर रहे चालक पर लाखनी पुलिस ने कार्रवाई कर 20,16,000 रुपए का माल जब्त कर लिया। आरोपी वलनी निवासी सूरज प्रभाकर वंजारी उम्र 25 वर्ष टिप्पर में रेत परिवहन कर रहा था। पालनदुर पुलिस ने बिना लाइसेंस से ट्रैक्टर में रेत परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। जब पालनदुर पुलिस की टीम घोड़ेझरी नीमगांव पांडका पर गश्त कर रही थी, पुलिस ने बिना लाइसेंस के रेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर 1 ब्रास रेत जब्त की। सब्जी बनाने के विवाद में पति ने पत्नी व बेटी की पिटाई करने की घटना साकोली में हुई। आरोपी चंद्र कुमार रतिराम उइके उम्र 36 वर्ष ने महिला के साथ गाली गलौज की और अपनी बेटी के हाथ को घायल कर दिया। शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामूली विवाद में आरोपी सेंदिर वाफा से महिला ने अलका मेशराम उम्र 41 वर्ष को सिर पर लोहे की बकेट मारी थी। इस मामले में पौनी के प्रथम श्रेणी न्यायालय ने आरोपी देवनीग्राम निवासी ममता दिवाकर खोबरागढ़े उम्र 30 वर्ष को 6 महीने का कारावास और 500 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।